हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रेम पवार है और मैं आपको आज एक छोटी ड्रिल मशीन के यूज़ करने और उसके पावर के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यूँ समझिए कि आज हम एक छोटी मशीन का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। दोस्तों छोटी मशीन के प्रैक्टिकल करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, और शेयर ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए एक डिफरेंस कलर की वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों। जो वीडियो मतलब नई नई हो, अलग वीडियो हो, मतलब कोई एक वीडियो पे मैं काम नहीं करता हूँ दोस्तों, एक काम पे मैं काम नहीं करता हूँ दोस्तों, इसलिए मैं आपके लिए नए नए तरीके के और नए नए अलग अलग तरीके से वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ दोस्तों। मेरे चैनल को आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो चलते हैं अपन एक छोटी ड्रिल मशीन की तरफ दोस्तों। ये है वो छोटी ड्रिल मशीन, बट मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेस करा था। फ्लिपकार्ट से परचेस करने पर दोस्तों ये 800 ने कुछ ऑफर की इसकी प्राइस, ज़्यादा प्राइस नहीं है इसकी, और आप देख सकते हो किसके अंदर एक रिवर्स और ये फास्ट का मतलब कि बटन दे रखा है यहाँ पे ये। उसके बाद में आपको ये जो बटन है ये आपको इसके जो पावर मतलब इसकी जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा करने के लिए भी है ये, तो काफ़ी अच्छी है दोस्तों। उसके बाद में ये एक बटन यहाँ पे जो लॉक करने का भी है, इसको अगर आप कंटिन्यू चलाना चाहते हो तो ये भी है दोस्तों। उसके बाद में आप इसको रिवर्स और फास्ट दोनों तरफ ही घुमा सकते हो दोस्तों। तो आज अपन इसकी ट्राई करने जा रहे हैं दोस्तों, और इसके साथ जो मैंने इसको परचेस किया था उसके साथ मतलब कि ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है दोस्तों। इसके साथ एक पाना मिलता है और बट और कुछ भी नहीं मिलता है, और ये इस पूड़े के साथ पैकिंग आती है और बस, उसके साथ तो कुछ नहीं मिलता। तो इसको हम आज एक स्क्रू कसने के लिए आपको ये अलग से लेना पड़ेगा, देख सकते हो स्क्रू कसने के लिए आपको इसको इसके अंदर फिट करना होगा। उसके बाद में इस पाने से आपको इसको कसना होगा दोस्तों। तो अपन इसको कस लेते हैं पाने से, और कसने के बाद में हम आपको ट्राई करके बताते हैं कि ये कितना पावर है, मतलब कि कितनी हार्ड है और आप ये कितना काम कर सकती है। दोस्तों ये हो गया अपना कंप्लीट। तो दोस्तों मैंने क्या करा है कि इसकी जो वायर छोटी आती है, करीब 1.5 मीटर की वायर आती है, तो उसमें मैंने इसको काट के ना इसमें थोड़ा कुछ लंबा वायर लगा लिया, जिससे अपने वो काम करने में सहूलियत है। आप किसी भी प्लग में आप इसको लगा सकते हो अगर लंबा है तो ये हमने इसको प्लग में लगा दिया। आप देख सकते हो इसका जो आवाज़ है कंप्लीटली काम करता है दोस्तों। तो हम अब आपको बता रहे हैं जा रहे हैं कि ये जो स्क्रू है और ये लकड़ी है प्लाई की, आप भी देख सकते हो ये प्लाई की लकड़ी है, तो हम आज इसको इस प्लाई में कसने जा रहे हैं। ये देख सकते हो दोस्तों पूरा स्क्रू बहुत हार्ड है, ये प्लाई है दोस्तों, पूरा स्क्रू इसके अंदर फिट हो चुका है, मतलब कि ये आपके लिए बेहतर है काम करने के लिए, प्राई भी ज़्यादा नहीं है, एक नंबर की आपकी ये मशीन है दोस्तों। अब अगर चलते हैं इस स्क्रू को वापस निकालने के लिए, तो इसको निकाल भी सकते हो आप, आपने जो ये रिवर्स और जो फास्ट जो आपका ये जो इसको अपना इधर करा था, अब इधर कर लीजिए आप बस। उसके बाद में इसको हम निकालते हैं, ये देखना ये निकल गया, ये आप देख सकते हो निकल गया पूरा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों।